चुनाव 2023 में दौसा और अलवर जिले की 16 सीटों के एग्जिट पोल में किसका पलड़ा भारी। सबसे पहले बात करते हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के बारे में, जिनमें अगर सबसे पहले बात करें बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र की, तो बहरोड़ से कांग्रेस के टिकट पर संजय यादव जबकि बीजेपी के टिकट पर जसवंत सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें कांग्रेस के संजय यादव का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद अगर बात करें तिजारा विधानसभा क्षेत्र की, तो तिजारा से कांग्रेस के टिकट पर इमरान खान जबकि बीजेपी के टिकट पर बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर बात करें किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र की, तो कांग्रेस के टिकट पर दीपचंद खेरिया जबकि बीजेपी के टिकट पर रामहेत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें कांग्रेस के दीपचंद खेरिया का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद अगर बात करें मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की, तो मुंडावर से कांग्रेस के टिकट पर ललित यादव जबकि बीजेपी के टिकट पर मंजीत धर्मपाल चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें कांग्रेस के ललित यादव का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद अगर बात करें बांसूर विधानसभा क्षेत्र की, तो बांसूर से कांग्रेस के टिकट पर शकुंतला रावत जबकि बीजेपी के टिकट पर देवी सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करें थानागाजी विधानसभा क्षेत्र की, तो थानागाजी से कांग्रेस के टिकट पर कांति प्रसाद मीणा जबकि बीजेपी के टिकट पर हेम सिंह भडाना चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर बात करें अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की, तो अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के टिकट पर टीकाराम जूली जबकि बीजेपी के टिकट पर जयराम जाटव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से कांग्रेस के टीकाराम जूली का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद अगर बात करें अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र की, तो अलवर शहर से कांग्रेस के टिकट पर अजय अग्रवाल जबकि बीजेपी के टिकट पर संजय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से बीजेपी के संजय शर्मा का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो रामगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर जुबैर खान जबकि बीजेपी के टिकट पर जय आहूजा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से कांग्रेस के जुबैर खान का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद अगर बात करें राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर मांगीलाल मीणा जबकि बीजेपी के टिकट पर बन्नाराम मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर बात करें कठुमर विधानसभा क्षेत्र की, तो कठुमर से कांग्रेस के टिकट पर संजना जाटव जबकि बीजेपी के टिकट पर रमेश खींची चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से कांग्रेस की संजना जाटव का पलड़ा भारी लग रहा है। अब बात करते हैं दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के बारे में। अगर सबसे पहले बात करें बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की, तो बांदीकुई से कांग्रेस के टिकट पर गजराज खटाना जबकि बीजेपी के टिकट पर भागचंद डाकरा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से बीजेपी के भागचंद डाकरा का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं महवा विधानसभा क्षेत्र की, तो महवा से कांग्रेस के टिकट पर ओम प्रकाश हुडला जबकि बीजेपी के टिकट पर राजेंद्र मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से बीजेपी के राजेंद्र मीणा का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं सिकराय विधानसभा क्षेत्र की, तो सिकराय से कांग्रेस के टिकट पर ममता भूपेश जबकि बीजेपी के टिकट पर विक्रम बंसीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से बीजेपी के विक्रम बंसीवाल का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद बात करें लालसोट विधानसभा क्षेत्र की, तो लालसोट से कांग्रेस के टिकट पर परसादी लाल मीणा जबकि बीजेपी के टिकट पर रामविलास मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से बीजेपी के रामविलास मीणा का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके बाद अगर बात करें दौसा विधानसभा क्षेत्र की, तो दौसा से कांग्रेस के टिकट पर मुरारी लाल मीणा जबकि बीजेपी के टिकट पर शंकर लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन आपके अनुसार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।